दुखी करने वाली खबर यूपी के अलीगढ़ से आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और डबल डेकर बस की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। करीब दर्जन भर लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। डप्पल थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे 56 नंबर की ये पूरी घटना है। सवारियों से भरी डबल डेकर बस दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से भिड़ गई। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस एक बियर की बोतलों के स्क्रैप से भरे ट्रक से भिड़ी। ट्रक बस की टक्कर में 5 महीने के नवजात बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 11 महीने की बच्ची समेत 15 लोग जख्मी हालत में है। हादसे की जानकारी पुलिस को मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जख्मी लोगों का इलाज फिलहाल जेवर के नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया, प्रशासन को घायलों का शीघ्र उपचार करने के आदेश दिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के कड़े इंतजाम किए जाए। साथ ही सीएम योगी ने प्रशासन को घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर घायलों ने क्या आपबीती सुनाई, आप खुद सुनिए। वो आगे ट्रक में शीशे बोतल भरा हुआ था, उसे में जाकर से वो ट्रक बस वाला मार दिया पीछे से। उसके बाद क्या हुआ? वो कुछ पता नहीं। कितने लोग थे बस में, कितनी सवारियां? पूरे भरी हुई थी बस, डबल डेकर बस। हाँ, चोट लगने के बाद फिर कैसे आपको होश आया, किसने आपको? वो जो एम्बुलेंस में जब ला रहे थे तब होश आया। सर मैं दिल्ली से बैठा ISBT से, वहाँ से हम लोग फिर ये हाईवे से चलते रहे। आगे ट्रक से टेक ओवर में पीछे से गाड़ी ठुक गई बस वाले की। हम लोग ऊपर थे, हमारा तो शीशा टूटा, मैं जैसे सो रहा हूँ वैसे ही मैं गिर गया नीचे। सब पूरे शरीर में कांच लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को एम्बुलेंस यहाँ ले आई हॉस्पिटल में। बस बस ड्राइवर जो चला रहा था, क्या गलती रही, क्या मिस्टेक? सर मिस्टेक वही है कि ओवरटेक कर रहा था, उससे ओवरटेक के ही चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, बस में कितने लोग थे? करीब 60 के करीब थे सर।